देखिए ऐसा है कि अगर ये जांच मुंबई पुलिस ने ठीक से की होती तो सुप्रीम कोर्ट कभी भी ये जांच सीबीआई को नहीं सौंपता, क्योंकि मुंबई की घटना थी, वहाँ की पुलिस ने इंक्वेस्ट किया था, किंतु इतने दिनों तक इंक्वेस्ट के ऊपर जिस प्रकार की जांच चलती रही, जांच की जो दिशा थी वो भी सही नहीं थी, और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने उसको सीबीआई को सौंपा है। अब ये कई बातों की अटकलें लग रही है कि क्या दिशा सालियान का केस और सुशांत सिंह राजपूत का केस ये कोई इंटरलिंक है या नहीं है, इस पर मैं कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है कि सीबीआई ये सारी जांच करे, क्योंकि फॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सीबीआई को ये सहूलियत दी है कि इस केस से जो सुशांत सिंह राजपूत इनकी डेथ का जो केस है, इससे संबंधित और भी कोई केस अगर उनको लगे तो उस केस की जांच वो कर सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से अगर सीबीआई को ऐसा लगता है कि इनमें कहीं ना कहीं कोई गठजोड़ है या ऐसी कोई चीजें छिपाई जा रही है, तो सीबीआई उसका इन्वेस्टिगेशन जरूर करेगा। आप तो महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, आपके भी बहुत सारे लोग होंगे जो आपको खबर दे रहे होंगे इस मौत से जुड़े मामले को। आपको क्या लगता है that the Mumbai police try to botch up the case and try to cover up or Disha Salian ke death probe ko hasiye pe dal diya? Mujhe aisa lagta hai ki Disha Salian ka jo death hua usko ek prakar se ek routine aatmahatya ki tarah treat kiya gaya, aur shayad jis prakar se forensic evidence ya alag alag prakar se evidence jama ho kiya jana chahiye, ऐसा कोई प्रोफेशनली किया हुआ उसमें नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन अब ये सारी बात पास्ट की हो गई। देखिए अब मुंबई पुलिस का तो कोई संबंध नहीं रहा, अब मुंबई पुलिस ने जो करना था वो कर दिया। सही समय पर या तो मुंबई पुलिस ये सारी चीज़ें करती, या जल्दी अगर सीबीआई के पास आ जाता तो सीबीआई को भी सहूलियत होती, क्योंकि एक 40-50 दिनों के बाद सारा जो एविडेंस होता है वो भी थोड़ा कहीं ना कहीं माइल्ड होते जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें तो वहाँ हाजिर नहीं होती। बावजूद उसके मुझे लगता है कि सीबीआई बहुत प्रोफेशनल एजेंसी है, किसी बड़े नेता को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उनके बेटे को, आपको क्या लगता है? देखिए मैं इसके ऊपर बिल्कुल टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं, मैं कोई भी बात कहूं तो गंभीरता के साथ मैंने कहनी चाहिए। जब तक कोई एविडेंस हो मेरे सामने तभी मैंने कोई। ड्रग कार्टेल कितना बड़ा मुद्दा है वहाँ पे जो बॉलीवुड एक्टर्स ने आया? देखिए ये बहुत गंभीरता से ये बात को लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ये सारी चीज़ बाहर आ रही है मुझे लगता है कि ड्रग का एक बहुत बड़ा मसला बॉलीवुड में अभी दिखाई पड़ता है और उसको तोड़ना ही पड़ेगा। ये क्या इंटरनेशनल लिंक भी है, दुबई और आईएसआई का लिंक भी हो सकता है? देखिए अब तो चूंकि परतें खुल रही है तो कई अलग अलग चीज़ें बाहर आ रही है, अभी आएंगे और भी बाकी चीज़ें आएगी तो पता चले। कंगना रनौत को भी बहुत ह्यूमिलिएट किया वहाँ की सरकार ने, आपको क्या लगता है कंगना के साथ बदतमीजी हुई, जैसे कि हरामखोर बोला गया, कंगना ने भी जवाबी हमला किया? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कंगना का पूरा इशू जो है इसको बहुत गलत ढंग से सरकार ने हैंडल किया और इसमें सरकार की किरकिरी हुई, शिवसेना पार्टी की किरकिरी हुई, क्योंकि एक महिला जिस प्रकार से उसको ट्रीटमेंट दिया गया और उसको ट्रीटमेंट देने के बाद जिस प्रकार से वो आई भी और सारी चीजें भी बाहर हुई, मुझे लगता है एकदम गलत हैंडलिंग में थी। और मैंने तो लगातार मुख्यमंत्री को ये सलाह दी कि वे कोरोना के ऊपर ज्यादा लक्ष्य केंद्रित करें, कंगना के ऊपर नहीं, पर उनका सारा लक्ष्य कंगना के ऊपर ही केंद्रित।